हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और कंप्लीट रिसर्च के बाद आज मैं टॉप 6 मिस्टेक्स के बारे में बात करने वाला हूं जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की तैयारी के दौरान एस्पिरेंट्स कैंडिडेट्स करते हैं और उसकी वजह से उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाता है, किसी ना किसी स्टेज में वो अटक कर रह जाते हैं। सबसे पहली मिस्टेक है दोस्तों, नॉट गिविंग इक्वल इम्पॉर्टेंस टू ऑल द 3 स्टेजेस ऑफ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, इसके 3 स्टेजेस होते हैं, प्री, मेंस और इंटरव्यू। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो प्री एग्जाम के पहले केवल प्री की तैयारी में ही लगे रहते हैं, उसमें कोई कमी नहीं छोड़ते हैं, लेकिन उनके माइंड में ये होता है कि मेन एग्जाम की तैयारी प्री के बाद स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। मेन एग्जाम की एक बार कम से कम प्रिपरेशन प्री के पहले ही कंप्लीट हो जानी चाहिए। स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि प्री के बाद मेन का रिविजन करेंगे, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, तभी आप फाइनली सेलेक्ट हो पाओगे, तभी आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। दूसरी जो है बात वो ये है, कई लोग ऐसे होते हैं जो प्री के पहले केवल और केवल मेंस की तैयारी में लगे रहते हैं, वो प्री को बिल्कुल इग्नोर करते हैं और ये मानते हैं कि प्री एग्ज़ाम जब आएगा तो उसके 10-15 दिन पहले प्री स्पेसिफिक होकर प्री की तैयारी करेंगे। तो ये स्ट्रेटजी भी दोस्तों बिल्कुल गलत है। आपको प्री को और मेन को इक्वल इम्पॉर्टेंस देनी है। बहुत सारे ऐसे टॉपर्स को मैं जानता हूँ जिनके बारे में मैंने पढ़ा है, यूपीएससी के फाइनल टॉपर्स, जो समहाउ कैसे जैसे प्री में क्लियर हुए हैं, यानी कि कट ऑफ से कुछ ही मार्क्स ऊपर आए हैं। सोचिए, अगर उनका प्री में सिलेक्शन नहीं होता तो वो प्री में ही अटक कर रह जाते। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, रैंक थोड़ी कम आती है, इसलिए रैंक इंप्रूवमेंट के लिए वो वापस एग्जाम देते हैं। बहुत सारे ऐसे रैंक इंप्रूवमेंट के लिए एग्जाम देने वाले लोग हैं जो अगले साल प्री में ही सिलेक्ट नहीं होते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ प्री बहुत टफ है, कहने का मतलब है कि हर साल प्री में बहुत वेरिएशन आ रहा है। यूपीएससी इज नोन फॉर गिविंग लॉट ऑफ सरप्राइजेज इन प्री एग्जाम पेपर, तो आपको इसकी ढंग से तैयारी करनी होती है। मेन और प्री दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस दीजिए, दोनों को साथ साथ चलाइए। हाँ, कुछ 10-15 दिन पहले प्री के पहले आप प्री स्पेसिफिक हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्री की ढंग से तैयारी ना करें, केवल मेन में ही लगे रहे। प्री में ही अटक जाएंगे तो मेन में बैठेंगे कहाँ से। तीसरी बात है दोस्तों, इंटरव्यू। अधिकतर लोग यही करते हैं कि मेन में जब सेलेक्ट हो जाएंगे तब इंटरव्यू की तैयारी स्टार्ट करते हैं। इससे क्या होता है कि उनके इंटरव्यू में मार्क्स कम आते हैं, तो या तो उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाता है, या फिर क्या होता है, उनकी रैंक कम आती है इंटरव्यू में नंबर कम आने की वजह से। दोस्तों, एक चीज़ सोचिए आप, जो इंटरव्यू होता है वो आपके पर्सनालिटी यानी कि व्यक्तित्व का टेस्ट होता है। क्या आप उसे 1 महीने के अंदर चेंज कर सकते हैं? तो मेरा कहना यही है कि ये भी प्री और मेन की तैयारी के साथ इंटरव्यू की भी तैयारी होनी चाहिए। हमारा जो व्यक्तित्व है उसमें अगर कुछ कमियां हैं तो उन्हें चेंज करने के लिए हमें लंबे समय तक काम करना होगा, तो हमें इसकी भी तैयारी साथ साथ में करते रहनी चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब दोस्तों कुल मिलाकर यही है कि वी आर प्रिपेयरिंग टू गेट फाइनली सेलेक्टेड। हम किसी एक पर्टिकुलर स्टेज में सेलेक्ट होने के लिए तैयारी नहीं कर रहे हैं, हमें इस एग्जाम को फाइनली क्रैक करना है, इसलिए जो 3 स्टेजेस हैं उनको हमें प्रॉपर इंपॉर्टेंस देनी है। दोस्तों, दूसरी मिस्टेक है रीडिंग सो मच स्टडी मटीरियल। देखिए दोस्तों, एक कहावत है कि चादर उतनी ही फैलानी चाहिए जितनी हम समेट सकें। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इतनी किताबें पढ़ाई करते हैं लेकिन एग्जाम जब आता है तो उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता। हम मार्केट में जाएंगे तो हमें इतनी किताबें मिल जाएगी और हर किताब को खोल के देखेंगे तो हमें कुछ ना कुछ नया तो मिल ही जाएगा, और इसके चक्कर में हम हर किताब परचेज कर लेते हैं और उसे पढ़ने लग जाते हैं। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ ध्यान रखिए कि हमें केवल उतनी ही स्टडी मटेरियल पढ़ाई करनी चाहिए जिसका हम बार बार रिविजन कर सकें और जिसको हम दिमाग में रिटेन कर सकें, क्योंकि ये रिटेन किया हुआ ही कंटेंट है जो हम एग्ज़ाम में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो कम से कम किताबों को पढ़ाई कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन कीजिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ज्यादा किताबें पढ़ने की मिस्टेक ना कीजिए। तीसरी मिस्टेक है नॉट डूइंग सेल्फ असेसमेंट। दोस्तों, जैसा कि हमने प्रीवियस मिस्टेक में बात की, लोग पढ़ाई तो खूब करते हैं लेकिन होता क्या है, चाहे प्री एग्जाम हो या मेंस एग्जाम हो, अपना मूल्यांकन नहीं करते हैं, इवेल्युएशन नहीं करते हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा, चाहे प्री एग्जाम है तो उसके लिए आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट पेपर सोल्व करने चाहिए, कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स हैं उनकी प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपको पता चलता रहेगा कि आपकी पढ़ाई जो है वो सही डायरेक्शन में जा रही है या नहीं जा रही है, या कोई कमी है।
मेन एग्जाम अगर है दोस्तों, तो इसके लिए राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना राइटिंग प्रैक्टिस के आपको पता नहीं चलेगा कि आप जब एक्चुअल 3 घंटे का पेपर होगा उसमें सही परफॉर्म कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। जितने भी कैंडिडेट्स हैं दोस्तों, वो सभी सेम कंटेंट ही पढ़ते हैं, सभी को सेम नॉलेज होता है मोर ऑर लेस, लेकिन वो लोग फाइनली सेलेक्ट होते हैं जिन्हें अच्छा लिखना आता है, जो 3 घंटे में अच्छे से लिख कर आते हैं। दोस्तों चौथी मिस्टेक जो है वो ये है, इग्नोरिंग नीड ऑफ गाइडेंस। चाहे आप इस एग्ज़ाम की शुरुआत में हैं या किसी और स्टेज तक पहुंच चुके हैं, दोस्तों कहीं ना कहीं जो होता है सेल्फ लिमिटेशन होती है। हम चाहे खुद से तैयारी कर रहे होते हैं या कोई कोचिंग ले रहे होते हैं, कई बार ऐसा होता है हमें लगता है कि किसी चीज़ में हम खुद के दम पर इम्प्रूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं, और उस इम्प्रूवमेंट के बिना हम आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हैं, कहीं ना कहीं अटक के रह जाते हैं, लेकिन हम किसी से संपर्क नहीं करते हैं, हम किसी से गाइडेंस लेने में हिचकिचाते हैं। तो दोस्तों यही सबसे बड़ी मिस्टेक है। चाहे कोई सीनियर हो, कोई मेंटर हो या कोई कोचिंग सेंटर वाले हो, हमें अगर लगता है कहीं ना कहीं हमें सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए किसी की हेल्प चाहिए, तो हमें इमीडिएटली वो लेनी चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए। पांचवी मिस्टेक है दोस्तों, रिलाइंग ओनली ऑन कोचिंग सेंटर। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सुबह से शाम कोचिंग में लगे रहते हैं, मल्टीपल क्लासेस लेते हैं, ना उनके पास उसे वापस पढ़ने का टाइम होता है, ना खुद का स्टडी मटेरियल, खुद की तैयारी करने का टाइम होता है। उन्हें लगता है कोचिंग सेंटर की क्लासेस में बैठने से ही सिलेक्शन हो जाता है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल गलत है। कोचिंग सेंटर जो है उन्हें एज ए मेंटर लीजिए, अगर वो भी अच्छे हैं तो। फाइनल सिलेक्शन तभी होगा जब आप अपनी तैयारी खुद करेंगे, अपना पूरे जोश से खुद तैयारी करेंगे। लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नॉट टेकिंग केयर ऑफ हेल्थ। दोस्तों जब आईएएस एग्ज़ाम की लोग तैयारी स्टार्ट करते हैं तो बहुत जोश होता है उनके अंदर, दिन में 12-12, 15-15 घंटे पढ़ाई करते हैं, एक ही जगह बैठे रहते हैं, अपनी हेल्थ का बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, ना कोई एक्सरसाइज करना, ना कोई योगा करना। इससे होता क्या है दोस्तों, आईएएस एग्ज़ाम एक लॉन्ग जर्नी है, कम से कम 1-1.5 साल आपको पढ़ाई करनी होती है, आपकी हेल्थ डाउन होती जाती है। इससे क्या होगा, एंड के अंदर आपका जोश ढीला पड़ने लगता है, आपका मोटिवेशन कम होने लगता है। तो जब एग्ज़ाम आएगा तो हम अपने आप में वीकनेस फील करने लगते हैं, हमारी तैयारी को इम्पैक्ट करता है, हमारा एग्ज़ाम के अंदर इम्प्लीमेंटेशन को इम्पैक्ट करता है। तो दोस्तों हेल्थ जो है का हमेशा ध्यान रखना है, हेल्थ को इग्नोर नहीं करना है। हेल्थ अच्छी रहेगी तो हम हमारी जो तैयारी की हुई है उसे ढंग से कंसिस्टेंटली करते रहेंगे, हमारे एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो दोस्तों यही थी टॉप 6 मिस्टेक जिनके बारे में मैं बात करना चाहता था। कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि ये जो बात है वो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं, और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।